न्यायों की पुस्तक अध्याय नौ। न्यायों की पुस्तक अध्याय नौ। अबीमलेख का चरित्र। यरूब्बाल का पुत्र अबीमलेख शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यो कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो कि तुम्हारे लिए क्या भला है, क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करे, वा यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे। और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमलेक ने नीच और लूचे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योतान नाम लहूरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शकेम के खंभे के पास वाले बांजुक्ष के पास अबीमलेक को राजा बनवाया। इसका समाचार सुनकर योताम गरिज्जिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और उच्च स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्य, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले? तब उन्होंने जलपाई के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जलपाई के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंद होता है वृक्षों की अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेड़ी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेड़ी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाह में शरण लो, और नहीं तो झड़बेड़ी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमलेक को राजा बनाया है और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो तो भला, मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए और उसकी लौंडी के पुत्र अबीमलेक को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोग ने आज के दिन यरूब्बाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो तो अबीमलेक के कारण आनंद करो और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे, और नहीं तो अबीमलेक से ऐसी आग निकलेगी जिससे शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो भस्म हो जाएगा, और शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो से ऐसी आग निकलेगी जिससे अबीमलेक भस्म हो जाए। तब योताम भागा
और अपने भाई अबीमलेख के डर के मारे बेर को जाकर वही रहने लगा। और अबीमलेख इसराइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमलेख और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, सो शकेम के मनुष्य अबीमलेख का विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किया हुआ उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमलेख के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे, और इसका समाचार अबीमलेख को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया और शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाह की बाइयों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमलेख को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमलेख कौन है, शकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या यह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जुबुल उसका नाइब नहीं? शकेम के पिता हमारे लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता, तब तो मैं अबीमलेख को दूर करता। फिर उसने अबीमलेख से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकला। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबुल का क्रोध भड़क उठा और उसने अबीमलेख के पास छिपके दूतों से कहला भेजा कि एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को उसका रहे हैं, इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा। फिर बिहान को सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संगों वालों समेत तेरा सामना करने को निकले तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमलेख और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 झुंड बांधकर शकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए, और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमलेख और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबुल से कहने लगा, देख पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबुल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक छुंड मोन्निम नाम बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जुबुल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहां रही कि अबीमलेख कौन है कि हम उसके अधीन रहे? ये तो वही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। तब गाल शकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर निकलकर अबीमलेख से लड़ा, और अबीमलेख ने उसको खदेड़ा और वह अबीमलेख के सामने से भागा और नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमलेख अरूमा में रहने लगा और जबुल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए और यह अबीमलेख को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई, और जब देखा कि लोग नगर से निकले हुए आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमलेख अपने संघ के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे
उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवाया। यह सुनकर शकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एलबरित के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमलेक को यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत शलमोन नाम पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली और अपने संगवालों से कहा कि जैसा तुमने मुझे करते देखा है वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो अटकल 1,000 थे मर गए। तब अबीमलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था। सो क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमलेक मर गया है, इस्राएली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिए और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया।